पीएलए ने एलएसी के पास फिर की वॉर ड्रिल। देखिए एक और वॉर ड्रिल का वीडियो, ये सब एलएसी के पास हो रही है। H6 बॉम्बर, Y-20 एयरक्राफ्ट, इनकी ज्वाइंट ड्रिल, पीएलए की सेंटर थिएटर कमांड का युद्धाभ्यास, चीनी पायलट्स को हर तरह की ट्रेनिंग, ये लगातार चल रहा है। और ये चल रहा है एलएसी के ठीक उस तरफ चल रहा है। आरजू काजमी, आपने कहा कि चीन बहुत ही ताकतवर देश है, चीन बहुत ही शक्तिशाली देश है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग चीन का इतना गुणगान क्यों करते हैं, मुझे ये वजह नहीं समझ में आती है। आपके पाकिस्तान को देखिए, आप तो पाकिस्तानी है, आप, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे गर्व है, आप पाकिस्तानी, आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी, हर सबको होना चाहिए। लेकिन आपके पाकिस्तान को तो चीन ने कॉलोनी बना के रख दिया, अपनी कॉलोनी। चीन की हुकूमत जो कहती है आपके हुक्मरान वो करते हैं, ये तो बहुत ही शोचनीय और चिंताजनक बात है। अर्जुन काजमी, आप तारीख कितनी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई कॉलोनी नहीं बन गए चाइना की। हम चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हैं और जरूर वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जो जितने देश जिनके पास पैसा है सब उनके आगे झुकते हैं। तो अगर आप चाइना को ये समझ रहे हैं कि वो कमजोर है और वो ग्राउंड पे लड़ नहीं सकता, तो सर आजकल हाथापाई तो होती नहीं है, आपको पता है बॉम्ब्स है और तरह तरह के हथियार है, कभी भी ले सकता है। पैसे के लिए आरजू एक सवाल का जवाब, आरजू एक सवाल का जवाब, आरजू बस छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आरजू छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि पैसे के लिए सबके आगे झुकते हैं, तो पैसे के लिए किसके किसके आगे झुकेंगे? आप लोग चीन के आगे भी झुक रहे हैं, सऊदी अरब के आगे भी झुक रहे हैं, तुर्की के आगे भी झुक रहे हैं, खजाने का हुआ क्या? इमरान खान, नियाजी और बाजवा जी सब उठा लेंगे क्या ये लोग? ये तो आपकी जनता पूछेगी ना, और पूछ भी रही है। झुकने की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान के झुकने की बात नहीं कर रही, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि जो भी कंट्रीज जो है, पाकिस्तान तो झुक रहा है, पाकिस्तान तो लेट गया है, झुक रहा है। जाहिर है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जी।